सरस्वत्यै नमः। ॐ लक्ष्मीदेवे नमः। माँ काली ने दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। इनके अवतार को लेकर अनेक कहानियां हैं। जब दारुक नामक एक दुष्ट दानव पृथ्वी पर हाहाकार मचाने लगा था, तब ब्रह्मा विष्णु सहित सारे देवी देवता भगवान शंकर के पास गए और सभी उनके सामने दारुक दानव ने पृथ्वी पर जो हाहाकार मचा रखा है उसको लेकर चिंता दर्शाई और समाधान की अपेक्षा हेतु उनसे याचना की। ये सुनकर भगवान शंकर ने माँ भगवती की ओर देखा। माँ ने मुस्कुराकर अपने एक अंश को शिव कंठ में विलीन किया और नीलवन आकृति का निर्माण हुआ और वे थी माँ काली। उनके एक ओंकार से ही दारुक का वध हुआ और उसकी पूरी सेना भी माँ काली के क्रोध से ही खाक हो गई। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की सत्ता प्रतिष्ठित होने लगती है, तब तब धर्म की पुनः स्थापना के लिए ईश्वर विभिन्न रूपों से अवतरित होते हैं। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। दारुक, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मां, क्या वर मांगते हो? मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ब्रह्मदेव मुझे अमरता का वरदान दे। वत्स, यह संभव नहीं है। कोई और वर मांगो। तो मेरी समझ में स्त्री अबला होती है, वह मुझे मार नहीं सकती और मैं उसे नियंत्रित कर सकता हूँ। अतः हे प्रभु, मुझे यह वरदान दे कि मुझे कोई स्त्री ही मार सके। तथास्तु। वर प्राप्ति के बाद दारुक का अत्याचार बढ़ने लगता है। सन्यासी, जब तक छोड़ और हमारे महाराज के शरण में आ जाओ। नहीं, मेरे आराध्य माँ दुर्गा एवं भगवान शंकर हैं। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। हे! उधर दारुक व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रजा एवं अपनी अर्धांगनी को भी प्रताड़ित करता है। दारुका, मैं ही तेरा स्वामी हूं, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं। मेरे अतिरिक्त कोई और भी पूजा की तो तेरी मृत्यु निश्चित है। हे नाथ, आप मेरे स्वामी हैं, किंतु भगवान नहीं। आप जीवन ले सकते हैं, किंतु जीवन दे नहीं सकते। अतः मैं माँ की भक्त हूँ, मैं उन्हीं की पूजा करूँगी। हे भोलेनाथ, मैं अपने पुत्री का कष्ट नहीं देख सकती हूँ, अतः मैं अपना अलंकार एवं काजल आपको प्रदान करती हूँ। देवी पार्वती के द्वारा अर्पित वस्तु के फलस्वरूप महादेव ने अपनी निमित्त मात्र से श्याम वर्ण वाली एक देवी का निर्माण किया,
जिन्हें काली का नाम दिया गया। हे महाकाली, मेरी भक्त के कष्ट का निवारण कर। Come on.